बोल नहीं आ रहा नमस्कार, है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम है बबली चौहान। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के तहसील बसंतगढ़ में के कॉलेज GDC डुड्डू बसंतगढ़ में हैं। यहाँ पे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस मुद्दे को लेके इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी गई थी। सर आपका नाम? जी नमस्कार, नरेश ललाल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उधमपुर विभाग सह संयोजक। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डुड्डू बसंतगढ़ के अंदर जो प्रेस वार्ता रखी गई थी, मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो हम गवर्नर महोदय का और LG प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर हम बिल्डिंग कॉलेज बना दिया। जो विद्यार्थी यहाँ से पहले उधमपुर या रामनगर में पढ़ने के लिए जाते थे, अब उनको नहीं जाना पड़ता है। परंतु दूसरी ओर आज मुझे बड़े ही अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बैच जहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट करके निकल गया और दूसरा भी मार्च अप्रैल में अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट करके निकल जाएगा, परंतु पिछले 4 वर्ष में कॉलेज की बिल्डिंग बनकर कंप्लीट होना तो बड़े दूर की बात है, परंतु अभी तक यहाँ पर बिल्डिंग का काम तक नहीं लगा हुआ है। इससे अच्छा था कि यहाँ पर कॉलेज नहीं होता, कम से कम जो विद्यार्थी रामनगर या उधमपुर में जाकर एक अच्छा सब्जेक्ट तो चूज कर पाते, वहाँ उनको कॉमर्स मिल जाता, मेडिकल मिल जाता, नॉन मेडिकल भी मिल जाता, NCC मिल जाती, NSS मिल जाती, स्पोर्ट्स भी मिल जाता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन विद्यार्थियों को बेचारों को NCC की फुल फॉर्म ही कुछ पता नहीं है, क्योंकि इनको पता कहाँ से होगी, क्योंकि इनको यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। मैं बताऊँ, कंप्यूटर लैब यहाँ पर नहीं है, लाइब्रेरी के अंदर बैठने के लिए इनकी व्यवस्था नहीं है, रीडिंग रूम नहीं है, न्यूज़पेपर डेली नहीं आता है। इसलिए हम इस मीडिया के माध्यम से गवर्नर मोदी से ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर कॉलेज की बिल्डिंग का काम लगाया जाए। और मैं आपके ध्यान में बात लाना चाहूँ कि रामनगर ट्रांसपोर्ट की बात मैं करूँ, रामनगर से जो डुड्डू बसंतगढ़ का रोड है, रोड की इतनी खस्ता हालत है कि किसी समय भी अब रामनगर से सुबह गाड़ी लेकर निकलो तो यहाँ तक आते वो खटारा बन जाती है। और मैं बताऊँ, जहाँ पर कुलवंता से लेकर लाठी तक यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, और जो दूर से जय छित्राड़ी, बसंतगढ़, लाठी, जखेड़ से जो विद्यार्थी आते हैं, उनको सुबह गाड़ी में इतना ज़्यादा रश होता है कि उनको छत्ते पर बैठकर आना पड़ता है, और कभी भी हादसा हो सकता है। और कई बड़े हादसे आपके ध्यान में होगा कि रामनगर से बसंतगढ़ के रोड में हो चुके हैं। अब क्या LG प्रशासन या सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? इसलिए साथ ही साथ हमारी LG प्रशासन से यह भी मांग है कि जो विद्यार्थी यहाँ से डेली अप डाउन करते हैं, इनको बड़ी समस्या आती है, यहाँ पर क्राजे में रोम भी नहीं मिलते हैं। इसलिए LG प्रशासन से और केंद्र सरकार से हमारी यह मांग रहेगी कि यहाँ पर बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ पर एक बॉयज़ के लिए और एक गर्ल्स के लिए हॉस्टल भी होना चाहिए, और जो यहाँ का स्टाफ है वो भी मैक्सिमम बाहर का स्टाफ है, उधमपुर का, रामनगर का या जम्मू का, उनको भी यहाँ से कॉलेज ऑफ करके बसंतगढ़ यानी कि 8 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, उनको भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारी LG प्रशासन से यह भी मांग रहेगी कि उनके लिए भी यहाँ पर बिल्डिंग के साथ साथ क्वार्टर बनाए जाएँ। और अंत में हम गवर्नर महोदय से ये मांग करते हैं कि अगर 20 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर कॉलेज की बिल्डिंग का काम नहीं लगता है तो ये विद्यार्थी पूरे के पूरे इस कॉलेज को ताला लगाकर रोड पर उतर आएंगे, और इसका जिम्मेवार केवल और केवल LG प्रशासन होगा, और आने वाले समय के अंदर केंद्र सरकार को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद, और मैं GDC डुडू बसंतगढ़ में पढ़ता हूँ। और अभी यहाँ की आप बिल्डिंग की हालात देख सकते हो, रोड की हालात देख सकते हो, ना ही कोई फैसिलिटी है यहाँ पे, कोई कंप्यूटर लैब नहीं है, बैठने के लिए कोई अच्छी सी जगह नहीं है यहाँ पे, अंदर रूम्स दो तीन यही हैं, कोई ऐसे किराए पर चल रहा है अभी ये। अभी आपको बताएंगे, सड़क की इतनी खस्ता हालत है, सुबह कपड़े धो के यूनिफॉर्म धो के आते हैं कॉलेज में तो शाम को फिर से धोनी पड़ती है, समझो लगातार ऐसे ही, और ना कोई बसेस में इतनी भीड़ होती है। हमें गवर्नमेंट से यही मांग करना चाहूँगा कि बसेस भी लगाए जाएं कॉलेज के लिए, और बस। आपका नाम? मेरा नाम कविता कुमारी है, मैं GDC बसंतगढ़ की स्टूडेंट हूँ। हमारे कॉलेज में इधर अभी तक कंप्यूटर लैब तक नहीं है, हम कॉलेज में पहुँच गए हमें कंप्यूटर का पता भी नहीं है। जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से एक हमारा सब्जेक्ट था IQ लेवल कंप्यूटर, तो इधर वाईफाई नहीं था, उसके कारण हमें वो सब्जेक्ट नहीं दिया गया। क्या इधर नेटवर्क की प्रॉब्लम है? हाँ, इधर बोलते हैं कि वाईफाई नहीं है। हमारे साथ कुछ और भी बच्चे हैं, उनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम?
मेरा नाम सुजीत कुमार है, मैं एबीबीपी का प्रेसिडेंट हूँ, मैं जीडीसी डुड्डू बसंत गढ़ में पढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं ये मेन बात जो हमारी है, सबसे पहले ये मेन कारण जो है हमारी बिल्डिंग का, आप देख सकते हैं कि ये हमारा न्यू इंडिया है, ये मॉडर्न इंडिया है, ये इसी बिल्डिंग में हम पढ़ते हैं। लेकिन हमें इतनी ज़्यादा मतलब परेशानी आती है यहाँ पर पढ़ने की, ये बाहर जो रोड है यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, तो हमें बहुत सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बहुत सी धूल उड़ के हमारे ऊपर आके गिरती है। हम ये एलजी से ये अपील करना चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग का काम लगाया जाए और हमें बिल्डिंग प्रोवाइड की जाए, ताकि हम अपनी जो एजुकेशन है, हमें हम अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रख सकें। मेरे कैमरामैन से गुजारिश है कि वो थोड़ा सा रोड की तरफ गौर करें और दिखाएं इनका कॉलेज और रोड की हालत देखें। ये हमारा डुड्डू बसंतगढ़ में कॉलेज है और आप रोड देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलेज के बाहर ही रोड कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। और ये इनका नेशनल हाईवे है और इनको आने जाने में बहुत ही दिक्कत होती है, और ये हफ्ते में एक दिन ही मुझे लगता है क्लास में आते होंगे। तो मेरी ये एडमिनिस्ट्रेटर से गुजारिश रहेगी कि इनकी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और भी थोड़े एक दो बच्चा है जो बोलना चाहता है, अपने कुछ व्यूज रखना चाहता है, उनसे भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है, इसलिए प्रॉब्लम ये है कि जो हमें सब्जेक्ट मिलते हैं वो भी हमारी मर्जी और चॉइस के नहीं मिलते हैं। जैसे स्किल लीडर काफ़ी हर सब्जेक्ट का स्किल होता है, तो सिर्फ हमें इधर EVS मिलता है। दूसरा ऊपर से जो हमारे कुछ सब्जेक्ट मिले हैं जैसे इकोनॉमिक्स है, तो उसका इधर कोई परमानेंट टीचर नहीं है। कुछ देर पहले लगाया था मगर उनको भी अब है नहीं इधर। तो हमारे आने वाले मार्च में एग्ज़ाम भी आ गए हैं, तो उसका कोई टीचर नहीं है, हमने अभी तक कुछ टच भी नहीं किया है, तो हम एग्ज़ाम कैसे देंगे। हमें टीचर भी प्रोवाइड होना चाहिए। दूसरा, जैसे मेरे साथियों ने या भाइयों ने बोला कि इधर रोड का हालत इतनी ख़राब है, सुबह कुछ बच्चे बेचारे क्लासेस में लेट पहुँचते हैं, बस की कोई सुविधा नहीं है, और हमें बस की भी सुविधा होनी चाहिए। जैसे कुछ छात्र आते हैं खनेड़ पनारा मंग से, वो पैदल आते हैं 8-9 बजे गाड़ी के टाइम पर नहीं पहुंच सकते हैं, वो सुबह जब 10 बजे इधर कॉलेज पहुंचेंगे, शाम को 6 बजे घर पहुंचेंगे, तो उनको पढ़ने और खाने का टाइम कब मिलेगा। इधर यूनिफॉर्म रोज़ दौड़ना पड़ती है, इधर रोड की बिल्कुल बेकार हालत है, और गाड़ियों में सभी स्टूडेंट को जगह नहीं मिलती है, कोई बेचारे छत पर बैठते हैं या कैसे भी जाते हैं। अगर कोई भी हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है, हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं। दूसरा, हम बैठते हैं इधर क्लासेस में, बाहर से दूर उठ के अंदर जा रही है, तो हम क्या पढ़ेंगे इधर, या गाड़ियों का शोर है, पढ़ने के लिए कोई अच्छी लाइब्रेरी भी नहीं है और ना कोई स्टाफ है इधर, तो हमारी हजली है एक हिसाब से। अगर सरकार ऐसे ही सोई रहेगी, रोड इधर देखो बसंतगढ़ में ठेका तक खुल गया, रोड कितना ख़राब है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। हमें ये दिक्कत हो रही है, पढ़ाई के लिए बोल दिया कि कॉलेज खुल गया, वो फॉर्मेलिटी क्यों की है, इससे अच्छा इसको बंद किया जाए या हमें कहीं अच्छा प्रोवाइड किया जाए कुछ, इसे हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। कैमरामैन सपना के साथ मैं बबली चौहान, धन्यवाद।